हेलो नमस्कार, फूड गुरु मल्होत्रा डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आपके साथ है नेहा मल्होत्रा। तो साथियों, आप जो मेरे वीडियो देखते हो आपको कैसे लगते हैं? आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप उसे शेयर कीजिए, आप कमेंट के द्वारा बताइए मुझे, आप अपने फ्रेंड्स में रिलेटिव में शेयर कीजिए। मेरी यही कोशिश रहती कि मैं आपको एकदम अच्छी हेल्दी रेसिपी बताऊँ, जैसे कि घर में जो हमारे ज़्यादा करके सामान हो या जो सीजनल ज़्यादा चलता हो, जैसे जो सीजन में फल है या फ्रूट है जो भी है वैसे सब दिखाऊं, जो कि आसान भी हो और हेल्दी भी हो, सबको पसंद भी आए और अफोर्डेबल भी हो, जैसे कि हमें आसानी से हर एक चीज़ मिल जाए। तो बस यही मेरी कोशिश रहती है। तो अगर आपका साथ रहेगा आप थोड़े तो मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा तो मैं और अच्छा करूँगी। तो आप जहाँ तक हो सके आप मेरे वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं जो अभी अभी देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाजू में बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि उन्हें भी इसी तरह से हेल्दी रेसिपीज मिलती रहे। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ मैंगो बर्फी। तो देखते हैं इसकी सामग्री। ये दो मैंगोज है जिसे हमने धो के अच्छी तरह से उसका पल्प निकाल लिया है, और यह कुछ 100 ग्राम के आसपास मावा है जिसे हमने घर पर ही बनाया है। यह कुछ 1.25 किलो के आसपास शुगर है जिसे हमने थोड़ा ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा सा देसी घी है, रोस्टेड काजू है, रोस्टेड बादाम कतरी है। सबसे पहले गैस को ऑन कर देते हैं, हमारा कढ़ाई पैन चढ़ा देते हैं। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमारा मैंगो पल्प है इसे थोड़ा सा भून लेना है अच्छी तरह से। हमने इसे लेना है इस तरह सारा का सारा मैंगो पल्प, और इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है 5 मिनट तक। आम को हमने देखिए भून लिया है 5 मिनट तक, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है आम की। अब हमें स्टेज पे चीनी डाल देनी है। हमने इसके अंदर पूरी की पूरी चीनी डाल देनी है और इसे भी हमने 5 मिनट तक चला लेना है। देखिए जैसे जैसे चीनी मेल्ट हो रही है यह एकदम अच्छी तरह मिक्स हो रही है। अब हमने इसे इतना चलाना है कि ये पूरी तरह से सूख जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस स्टेज पे चीनी मेल्ट हो गई है हमारी करीब करीब, क्योंकि हमने चीनी थोड़ी पीस के ली थी इसलिए फटाफट मेल्ट हो गई। अब हमने जो मावा रखा है इसे भी हमने डाल देना है इसके अंदर, और अब हमने करीबन 10 मिनट तक चलाते रहना है पूरी तरह ड्राई होने तक। देखिए यह हमारा करीबन हमने 10 से 15 मिनट तक इसी तरह चलाया है, कंटिन्यूस चलाना है इसे। यह एक गोला तैयार हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें थोड़े से काजू रोस्ट करके रखे वो डाल देते हैं और हमारी गैस को ऑफ कर देते हैं। देखिए हमने इसे एक स्टील की प्लेट लेनी है, जो भी आप ट्रे या प्लेट जो भी लेना चाहे। इस तरह से हमने चारों तरफ से घी अच्छी तरह से लगा देना है, इस पर प्रेस कर देना इस तरह से घी। देखिए अब हमने क्या करना है, ये जो मिश्रण है इसे हमने इस प्लेट में निकाल लेना है इस तरह से। देखिए बहुत बढ़िया ये हो गया है, बिल्कुल नहीं चिपक रहा। इस तरह से हमने सारा मिश्रण निकाल लिया है। अब हम इसे थोड़ा टैप कर देंगे। इसे भी आप उसी तरह कटोरी में कटोरी लेके घी लगा के भी आप उसे एक जैसा कर सकते हो। देखिए इसे प्लेट के चारों तरफ अच्छी तरह इस तरह फैला दीजिए बड़े आराम के साथ। देखिए जम जाएगी एकदम अच्छी तरह। चाहे तो आप इसे कटोरी से भी टैप कर सकते हैं या इस तरह से। ये हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर से थोड़े से कतरी बादाम डाल देने हैं। देखिए इस तरह से अब हमने इसे करीबन आधा घंटा तक डीप फ्रीज़र में जमने के लिए रख देना है। देखिए हमने हाफ एन आवर हो गया, अब हमने ये इसे बाहर निकाला है कट करने के लिए। इस तरह से हम इसके स्लाइसेस के लिए कट कर लेंगे। देखिए जैसे भी आप चाहे कट कर सकते हैं इस तरह से। ये हो गए हमारे रेडी मैंगो बर्फी के स्लाइसेस। देखिए ये हमारी मैंगो बर्फी बनके तैयार हो गई है। देखा आपने
फटाफट बन गई हमारी मैंगो बर्फी। इसे हमने, आप चाहो तो हम मैंगो को ग्राइंड भी कर सकते हो, बट हमने इसे ग्राइंड नहीं किया क्योंकि थोड़ी सी पल्पी हो तो और खाने में मजा आता है, हल्का सा पल्प आता है। तो इस तरह से इसे सिर्फ आप जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छी तरह सेट हो जाएगी, वरना थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, मैंगो की बर्फी है इसलिए, बट ये बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसे करीबन 1 से 1.5 घंटा आराम से फ्रिज में रखिए, उसके बाद निकालिए और खाइए। आप इसे 1 हफ्ता तक आराम से खा सकते हैं, जब आपको खाने हो बाहर निकालिए फिर आप फ्रिज में डाल के रख दीजिए। तो इस तरह से अभी सीजन है मैंगो का, तो आप इस तरह की मैंगो की फ्रेश बर्फी घर पर ही बना के खा सकते हैं। तो चलिए आप मेरे वीडियो को देखिए, आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए अगली एक और हेल्दी रेसिपी के साथ आपको मिलती है, नेहा मल्होत्रा, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए फूड गुरु चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए।